आज हम आप लोगों को लेकर आ गए हैं बाबा जी मिष्ठान भंडार दुकान पे, जो कि बिहार के सीतामढ़ी में स्थित है। और ये जो दुकान है ये पूरे बिहार में बलसाही मिठाई के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ये रहा इसका कारखाना, जहाँ पे सुबह सुबह ही काफी सारा दूध आता है, जिससे यहाँ पे बलसाही मिठाई और रसगुल्ला मिठाई बनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको रसगुल्ला मिठाई का मेकिंग दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले दूध को गर्म किया जा रहा है, और दूध गर्म होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, अब दूसरे बर्तन में दूध को निकाला जा रहा है। और दूध को यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे से छानने के लिए कपड़ा को लगाया गया है, ताकि इसमें छोटा छोटा कण भी हो वो भी अच्छे से छना जाए, इस वजह से ऐसा किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, एक जगह पे पूरा बर्तन भर गया है, जिस वजह से अब दूसरे बर्तन में इस कपड़ा को लगा दिया गया है, और इसके अंदर में जो कुछ भी जो यहाँ पे दूध बचा था उसे अब दूसरे बर्तन में निकाला जा रहा है। और दूसरे बर्तन में निकालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें करीबन 80 लीटर दूध है, और अब इसको छेना के पानी डालकर इसे फाड़ा जा रहा है, जिससे ये इसके अंदर से दूध के अंदर से छेना को निकाला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दूध से छेना जो है बाहर निकल गया है और उसके ऊपर पानी आ गया है। इस छेना को पानी को अपने बर्तन में रख लिया, ताकि बाद में यूज कर सके। और उसके बाद देख सकते हैं, इसको अच्छे से सफाई अभी किया जाएगा इस छेना को, इस वजह से पानी डालकर देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से धोया जाएगा, जिस वजह से देख सकते हैं दोनों में यहाँ पर काफी सारा पानी डालकर अब इसे पसाया जा रहा है। क्योंकि जब दूध फटता है तो उसका स्वाद हल्का सा चेंज हो जाता है, इस वजह से उस स्वाद को बदलने के लिए यहाँ पे पानी डालकर कई बार इसे धोया जाता है, ताकि जो इसका यहाँ पे छेना हो वो अच्छे से उसका स्वाद जो है चेंज हो जाए, इस वजह से ऐसा किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, सारा के सारा छेना को इस कपड़े में निकाल लिया गया है, और अब इसे देख सकते हैं ऊपर टांग दिया गया है, ताकि छेना के अंदर जो भी पानी हो वो बाहर निकल जाए, इस वजह से ऐसा किया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं, यहाँ पे भैया जो है काफी सारा छेना जो यहाँ पे रखा हुआ है कपड़ा में डालकर उसे ले लिए हैं एक को, और अब यहाँ पे देख सकते हैं उसके अंदर से पूरा पानी निकले, इस वजह से थोड़ा जोर लगाकर इसे के अंदर से पानी को निकाला जा रहा है, ताकि छेना के अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे और उसे रसगुल्ला अच्छे से बनाया जा सके, इस वजह से ऐसा किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, इस छेना के अंदर से पूरा पानी को निकाल दिया गया है, और अब देख सकते हैं इसे लेकर आया गया है यहाँ पर, और यहाँ पे देख सकते हैं इस बर्तन में इस छेना को रख लिए हैं, और अब इस छेना को देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से रखने के बाद अब इसे मेन काउंटर पे ले जाया जा रहा है, जहाँ पे इसका वजन किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, डाल दिया गया है तराजू पे, और यहाँ पे 8 किलो 540 ग्राम, जिसका जो है जिस किसान का ये दूध था उसे इस छेना का पैसा दिया जाएगा। यहाँ पे दूध का पैसा नहीं दिया जाता, छेना का वजन के हिसाब से पैसा दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, इस छेना को अब अच्छे से मिक्स किया जा रहा है, ताकि इसका रसगुल्ला जो हो बनाया जा सके। तो उसके बाद देख सकते हैं, अब छेना मिक्स हो गया है, और अब इसका लोई को काटा जा रहा है, और लोई देख सकते हैं ढेर सारा काट लिया है, और अब इसे गोल गोल किया जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पे देख सकते हैं दो लोग जो है अब अच्छे से इसको गोल राउंड में बना रहे हैं, ताकि रसगुल्ला जो हो काफी बेहतरीन दिखे और खाने में काफी मजा आए, इस वजह से देख सकते हैं ढेर सारा रसगुल्ला को यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो देख सकते हैं एक प्लेट डाल दिए हैं उधर, और दूसरे प्लेट में यहाँ पे देख सकते हैं अब लोई को काटा जा रहा है, और यहाँ पे जितना भी छेना है उस सबका यहाँ पे अभी बनाया जाएगा रसगुल्ला मिठाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से यहाँ पे एक और बर्तन भर गया है रसगुल्ला मिठाई बनकर, और ये अभी कच्चा है, इसे पकाया जाएगा। तो इसे पकाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं चिन्नी के पाक को किया गया है, जिसके अंदर में देख सकते हैं इस कच्चा रसगुल्ला जो गोल करके रखा हुआ था उसे डाल दिया गया है, और अब ये चीनी के पाक में इसे पकाया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब चीनी के पाक में ये उबलना शुरू हो गया है, और अब इसे थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चेक किया जाता रहता है कि ये कितना पका, इस वजह से ऐसा किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं अंकल जी जो है वो हमेशा चेक करते रहते हैं कि ज्यादा भी ना पके, कच्चा ना रहे, इस वजह से ऐसा किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस बर्तन के इधर देख सकते हैं जो बलसाही मिठाई और रसगुल्ला मिठाई बना है, जिस वजह से चीनी के पाक जो है यहाँ पे देख सकते हैं चारों साइड जल रहा है, क्योंकि यहाँ पे करीबन 15 घंटा जो है मिठाई बनता ही रहता है, इस वजह से ऐसा होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं अब इसके अंदर में हल्का सा ठंडा पानी को मिलाया जाता है, क्योंकि रसगुल्ला जो है वो पक गया है, इस वजह से ऐसा किया जाता है। और अब देख सकते हैं रसगुल्ला के लिए यहाँ पे देख सकते हैं चीनी को पाक को डाला गया है, जिसके अंदर में अब यहाँ पे एक पाउडर को मिलाया जाएगा, उसके बाद रसगुल्ला मिठाई जो है लगभग पककर रेडी हो चुका है, उसे इस बर्तन में निकाला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले इस पाउडर को डाला जा रहा है,
और इस पाउडर को डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अब मिक्स किया गया है। उसके बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर अब रसगुल्ला मिठाई को बाहर की ओर निकाला जा रहा है। और अब इसे देख सकते हैं रसगुल्ला मिठाई को निकाल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा रसगुल्ला मिठाई है, उसे ज़्यादा निकालने के लिए यहाँ पे झांच से देख सकते हैं एक साथ काफ़ी सारा मिठाई निकलता है, इस वजह से ऐसा करके बाहर निकाल रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं रसगुल्ला मिठाई का जो कटरा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से भर चुका है पूरा। और यहाँ पर देख सकते हैं तो पूरा का पूरा देख सकते हैं अब जो है रसगुल्ला मिठाई निकाल लिया गया है। और अब देख सकते हैं यहाँ पे रसगुल्ला मिठाई जो है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। और इसमें जो कुछ भी रसगुल्ला बचा हुआ था उसे भी हम निकाल लिया गया है। और यहाँ पे रसगुल्ला जो है बनकर रेडी हो गया है।